आज के वीडियो में आपको रणबीर कपूर के ईडी केस के बारे में, नीतू कपूर और आलिया के भट्ट के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रणबीर कपूर पर इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ईडी केस में जो जिस तरह से उनसे इन्वेस्टिगेशंस की जानी थी उन इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि वो आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं फॉर शूटिंग। जब वो वापस आएंगे तब वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़रूर आएंगे। और अब जब वो सामने नहीं आए हैं उनको एक और समन जारी कर दिया गया है और अब इस नेक्स्ट समन पर भी अगर नहीं आए तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस सब न्यूज़ को लेकर जहाँ आलिया भट्ट बहुत परेशान है, वहीं रणबीर कपूर की मदर नीतू कपूर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको बताते चलें कि ये सारा केस एक बेटिंग ऐप के थ्रू स्टार्ट हुआ। एक बेटिंग ऐप के ओनर जो है वो उन्होंने दुबई में शादी की और दुबई में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया और इन सेलिब्रिटीज़ को हवाला के थ्रू पेमेंट की गई। अब हवाला के थ्रू पेमेंट लेना गलत है और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में आता है, इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस समय ईडी के इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हैं जिनमें रणबीर कपूर का नाम भी सामने आता है। जैसे ही रणबीर कपूर का समन जारी किया गया बहुत सारी अफवाहें सामने आ गई थी कि रणबीर कपूर अरेस्ट किए जाएंगे ये वो, लेकिन रणबीर कपूर इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए और अब उनको एक और समन जारी कर दिया गया है जिस पर नीतू कपूर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उन्होंने आलिया भट्ट को बहुत ज़्यादा बातें सुना दी। नीतू कपूर का कहना था कि आलिया भट्ट को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम था तो उन्होंने नीतू के साथ शेयर क्यों नहीं किया, उन्होंने नीतू कपूर को इसके बारे में क्यों नहीं पहले बताया और नीतू कपूर को अब ये सब क्यों पता लग रहा है। नीतू कपूर का कहना था कि अगर उन्हें पहले पता होता कि रणबीर कपूर इस तरह से किसी हवाला के थ्रू पेमेंट लेने वाले हैं तो वो उन्हें तभी रोक लेती और इस गलत काम में पार्ट ना लेने देती, लेकिन आलिया भट्ट उनकी पत्नी है और उनको सब पता था कि रणबीर कपूर कहाँ जा रहे हैं, किस तरह पेमेंट मिल रही है और इस गलत काम को करते हुए भी रणबीर कपूर को रोका नहीं आलिया भट्ट ने। तो आलिया भट्ट इसमें उतनी ही कसूरवार हैं जितनी रणबीर कपूर हैं। अब देखना यह है कि नीतू और आलिया के बीच ये लड़ाई किस तरह से खत्म होगी और किस तरह से यह सब सॉल्व होगा। हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।